महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जो कि पूरे महीने कभी ना कभी निकलते रहते हैं, और ये डिस्चार्जेस निकलना भी ज़रूरी होता है। लेकिन आपका डिस्चार्ज कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है और कब ये प्रेगनेंसी के लक्षण है, सबके बारे में डिस्कशन करूँगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो डिस्चार्जेस होते हैं, राइट फ्रॉम अगर पीरियड की बात करूँ तो पीरियड से लेके 3 से 5 दिन आप ब्लीडिंग में होते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल ही ड्राई फील करते हैं, लेकिन उसके 2 से 3 दिन के बाद आपको कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल पतले से, बिल्कुल लसलसे से डिस्चार्ज होते हैं, जिनका निकलना बिल्कुल स्वाभाविक है। वो हार्मोनली भी आपके पूरे मंथ में ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये इस वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है आपके डिस्चार्जेस बढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब आपका पीरियड ओवर हो जाता है उसके 1 हफ्ते के बाद से ओव्यूलेशन का टाइम शुरू होता है, और जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है इसका मतलब महिला के शरीर से कुछ अंडे निकलना शुरू होते हैं, मे बी 1 अंडा, और कई बार बहुत सारी महिलाओं को एक साथ 2 भी अंडे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट ट्विन प्रेगनेंसी भी देखी जाती है। लेकिन जनरल केसेस में 1 अंडा 1 महीने में ज़रूर निकलता है, और जब अंडा निकलता है तो कुछ डिस्चार्जेस जो बिल्कुल लसलसे होते हैं, पतला एकदम ट्रांसपेरेंट सा डिस्चार्ज अगर होता है जिसमें किसी तरह के फाउल स्मेल आपको नहीं मिलते हैं, तो वो एक हेल्दी डिस्चार्ज है जिसका निकलना ज़रूरी है। और उसमें कुछ ऐसे पीएच होते हैं जो कि मेल के सेल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर महिला रिलेशन में आती हैं तो उनके गर्भ रुकने के चांसेस बनते हैं, और जो उस डिस्चार्ज के अंदर एक लसलसापन होता है, अगर आप उसे थ्रेड का अगर टेस्ट अगर कहिएगा, हाथ में लेके टेस्ट करिएगा, तो एक तार या एक धार सी भी बनती हुई आपको दिखाई देगी। ये जो धार होती है वो मेल के सेल्स को काफ़ी आराम फील करती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी उनको बिना किसी कठिनाई के वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर एग को फर्टिलाइज़ कर दें। तो अगर महिला इस ड्यूरेशन में अगर वो रिलेशन में आती हैं तो गर्भ रुकने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जिनकी पीएच सही नहीं होती है। मान लीजिए कि डिस्चार्ज जो नॉर्मल आना चाहिए उसके बदले में कुछ ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं, ग्रे कलर के हैं, बिल्कुल मटमैले कलर के हैं, और उनके अंदर बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही है। तो ये जो डिस्चार्जेस होते हैं ये आपके नॉर्मल नहीं होते हैं, ये दर्शाते हैं कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावनाएं बन रही हैं, और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपको रहेगा तो मेल के सेल्स भी उनको वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा और वो ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर आपके शरीर की पीएच, जो आपके निचले अंग हैं उनकी पीएच अगर सही नहीं होगी तो मेल के सेल्स भी उसी टाइम पे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उनको ये मौका मिलता ही नहीं है कि वो अंदर आके फैलोपियन ट्यूब तक आपके मतलब अंडे को फर्टिलाइज़ कर पाएँ और गर्भधारण कर पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई रखिए, उसकी हाइजीन मेंटेन करिए, और ज़रूरी है कि आप अच्छे हेल्दी डाइट को लीजिए, अच्छे तौर पे आप फूड की क्वालिटी को आप बढ़ाइए, साथ ही साथ अपने खाने में दही को भी शामिल करिए, प्रॉपर मात्रा में पानी का सेवन करिए, ताकि आपके अंदर शरीर बाहर से भी स्वस्थ हो और अंदरूनी तौर पे आप स्वस्थ फील करें, ताकि आपको यूटीआई की परेशानी ना हो। लेकिन अगर यूटीआई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो अपनी गायनी से मिलना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे जैसे ये थोड़ा और बृहद रूप लेता है तो आपको रेडनेस भी आएगी, इचिंग आएगी, आपको जलन हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम बाद में ना हो तो उससे पहले आप गायनी से मिलिए, और ट्विंस माई वर्ल्ड केयर चैनल पे आपको वजाइनल हाइजीन से बहुत सारी अदर वीडियोस मैंने बनाई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्योंकि जितना अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को हेल्दी रखते हैं उतना गर्भ रुकने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। ये तो रही मैंने बात की हेल्दी डिस्चार्जेस के बारे में, लेकिन जब अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम पे भी कुछ आपको हेल्दी डिस्चार्ज दिखाई देते हैं जिनका निकलना भी ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि अच्छी तरह से फर्टिलाइजेशन हो गया और इम्प्लांटेशन हो गया, बच्चा गर्भ में चिपक गया। तो बच्चा जब गर्भ में चिपक जाता है तो आपकी जो सर्विक्स होती है, बच्चेदानी होती है, उसकी मुँह जो होती है वो बंद हो जाती है। जब मुँह बंद हो जाती है इसका मतलब कि बाहरी किसी भी एक्सटर्नल कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस की एंट्री ना हो जाए, इसीलिए अच्छी तरह से बच्चेदानी का मुंह को कुदरती तौर पे वो अपने आप बंद हो जाती है, ताकि बच्चे को कहीं पर भी कोई नुकसान ना हो।
और साथ ही साथ कुछ ऐसे डिस्चार्जेस भी होते हैं आपके निचले अंगों में जो कि ज़रूरी होते हैं, अगर किसी कारणवश अगर कुछ ऐसे कुछ गंदगी है या कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो कि बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, तो आपकी जो प्राइवेट पार्ट है वो खुद की क्लीनिंग करके, मतलब एक कभी क्या होता है कि हम घर में अगर सफाई कर रहे होते हैं तो एक बाल्टी अगर हम पानी फेंकते हैं तो वो पानी के साथ ही साथ जो भी गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। तो जब अगर कुछ हल्की फुल्की सी गंदगी अगर आपके प्राइवेट पार्ट में आ भी रही है तो जब आपका जो निचला अंग है उसकी खुद की जब क्लीनिंग होती है तो कुछ ऐसे डिस्चार्ज आते हैं जिससे कि आपकी पूरी गंदगी को बाहर ही बाहर आउट कर दिया जाता है। तो उस केस में आपको कुछ गाढ़ा सा एकदम वाइट टेक्सचर का अगर कुछ डिस्चार्ज आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पे वो खुद की क्लीनिंग उस समय हो रही है और इस समय बच्चेदानी का मुंह बंद है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जब आपका बच्चा गर्भरोपित होता है उस टाइम पे पूरा का पूरा एनर्जी उसको लग जाता है उसको बनाने में, ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता है, पानी की भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको बार बार यूरिनेशन तो फील हो ही रहा है लेकिन आपको पानी पीने की भी इच्छा करती है, तो वो सारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि जो भी आपका जो डिस्चार्जेस है वो इस वजह से बढ़ता है क्योंकि पूरे का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर अगर आपके साथ हो रही है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी रुकती है या रुकने वाली होती है, तो भी आपके डिस्चार्जेस इस तरह के बढ़े हुए से लगेंगे। अगर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का, या फिर आपको सडन आपको लगता है कि कुछ एकदम पानी जैसा हल्का सा डिस्चार्ज आ गया फिर वो स्टॉप हो गया, तो वो सारी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को डिनोट करती हैं। प्रेगनेंसी होती है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें आगे भी आपके पीरियड मिस होने के 2-3 दिन के बाद तक भी रह रही हैं तो डेफिनेटली ये आपकी प्रेगनेंसी की निशानी है। और साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी की और भी निशानियाँ, जैसे कि मैंने 10 ऐसे पॉइंट्स को समराइज़ किया हुआ है, वो भी अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो 110% आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। यहाँ एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक लगा दूंगी कि कौन कौन से वो सिम्टम हैं जो 10 हैं, अगर उनमें से आपको 5 भी दिखाई देते हैं तो कन्फर्म श्योर शॉट आपकी प्रेगनेंसी है। और जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके करीब 1 हफ्ते के बाद आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से श्योर हो जाइए और फिर आगे अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करिए। भगवान करे कि आपकी प्रेगनेंसी इसी वक्त रुक जाए, इसी महीने रुक जाए। इसी दुआ के साथ अब ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।